नमस्कार, मैं हूं लोकेंद्र सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षर न्यूज लाइव टीवी। शुक्रवार को हज पर रवाना हुए हज यात्रियों को जब उनके परिजन रवाना करने पहुंचे तो उनकी आंखें नम थी। उनका कहना था कि मदीने वाले को भी मेरा सलाम कहना। शुक्रवार को घोसीपुरा से हज यात्रियों का एक जत्था रवाना हुआ। इस मौके पर उनके परिजनों की आंखें नम थी, गले लगकर उन्होंने दुआएं दी और कहा कि सकुशल हज पर जाएं और सभी के लिए दुआ करें। इस मौके पर बड़ी संख्या में उनके समाज बंधु भी शामिल थे। हज यात्रा मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी होती है। यह इस्लाम के 5 स्तंभ में से एक है। इस्लाम के 5 स्तंभ कलमा, नमाज, रोजा और जकात। इसके अलावा इस्लाम का आखिरी और 5वां स्तंभ है हज। एक अरबी शब्द है हज, जिसे आसान शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब होता है किसी जगह के लिए निकलने का इरादा करना, दिल में अल्लाह के घर की जियारत और इबादत का इरादा करना। तौहीद, नमाज, जकात, रोजा आदि मुस्लिम में रहकर ही अदा कर सकते हैं, लेकिन हज करने के लिए उन्हें सऊदी अरब के शहर मक्का जाना पड़ता है, क्योंकि मक्का ही काबा मौजूद है। इस्लामी मान्यता के मुताबिक हज हर मुसलमान का फर्ज है, जिसे पूरी जिंदगी में एक बार जरूर करना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ लोगों को छूट दी गई है। दरअसल में इस्लाम में बताया है जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं या ऐसे लोग जिनके पास पैसा तो है लेकिन उनकी सेहत ठीक नहीं और वो इतनी लंबी यात्रा नहीं कर सकते, उन लोगों को हज में छूट दी गई है। इस्लाम की मान्यता के मुताबिक पैगंबर इब्राहिम को अल्लाह ने एक तीर्थ स्थान बनाकर समर्पित करने के लिए कहा था। इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने पत्थर का एक छोटा सा खनाकार इमारत बनाई थी, इसी को काबा कहा जाता है। मुसलमानों का ऐसा मानना है कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद 1570 से 632 ईस्वी को अल्लाह ने कहा कि वो काबा को पहले जैसी स्थिति में लाएं और जहां केवल अल्लाह की इबादत होना चाहिए। साल 628 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 अनुयायी के साथ एक यात्रा शुरू की। ये इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा बनी। इसी यात्रा को पैगंबर इब्राहिम की धार्मिक परंपरा को फिर से स्थापित किया गया, इसी को हज कहा गया। अल जैनब अल फिरदौस उमराह टूर्स एंड ट्रेवल्स की सानिध में गुना से करीब 40-45 जनों का एक जत्था हज के लिए रवाना हुआ, तो उस वक्त उनके परिजन सब उनको रवाना करने रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां सबकी आंखें नम थी और सभी दुआएं कर रहे थे कि सकुशल हज कर हमारे परिजन लौटें। इसी दुआओं के साथ वो सभी आज रेलवे स्टेशन पहुँचे। We'll be right back.
इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हज यात्रियों का एक जत्था रवाना हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं इन सभी से कि किस तरह से ये पूरा हज यात्रा करेंगे और किस तरह से सुविधाएं दी जाती हैं इन हज यात्रियों को। हमारे साथ हैं इस वक्त सफिक भाई, बताइए किस तरह से इन पूरे हाजियों को आप सुरक्षा के साथ भेज रहे हैं। हम अलजैनब के नाम से चला रहे हैं लगभग 5 साल से और अलहमदिल्ला बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और लॉन्डी की व्यवस्था, खाने की, पहनने की, आने जाने की, वीजा, पासपोर्ट, ये सब सुविधा आप सबकी दुआओं से 5 साल से चल रहा है। आप सबकी दुआओं से बहुत अच्छी कामयाबी है, आगे भी उम्मीद है कि कामयाबी मिलेगी। और गुना से 22 लोग 13 तारीख के टीम में है। टोटल हमारे पास 45 है। गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, इंदौर, भोपाल, ये सभी जगह के मिल रहे हैं। और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छी खिदमत करें और कौम की एक पवित्र काम, एक काम जो हज और उम्रे का है, जो अरकान अदा है, उनमें हम पूरा पूरा सहयोग करने के लिए लगे रहते हैं। ये काम इंशाल्लाह जाने वाले से जारी से दुआ करें अपने अमन के लिए, ईमान के लिए, अमन के लिए, देश के लिए, अमन चैन के लिए। ठीक है, सभी देशवासियों और आने वाले बहुत भारतवाद शुक्रगुजार हैं। उनके गाँव में याद रखे इंशाल्लाह उनको समृद्धि और ढाके जो सब लोग हैं हमारे खास तौर से देखने वाले इस काम को जिम्मेदार जनाब इमरान भाई, जनाब साकिर भाई, जनाब आरिफ भाई, जो बहुत जिम्मेदारी से इस काम को अंजाम देते हैं, इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। आज मेहनत से मुझे बहुत कम मेहनत करना पड़ती है बड़ा होने के नाते, पर ये सब छोटे भाई की जिम्मेदारी से शुक्रिया अल्लाह। अच्छा गुना वाले और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहा है और अलजैनब बहुत अच्छी खिदमत कर रहा है। हज में यूपी गवर्नमेंट से जो लोग जाते हैं लगभग 42-45 दिन का जो 5 दिन जो बहन होते हैं हमारे गुना में रहकर पूरे की जाती है। आप क्या कहेंगे? हज करके आया नहीं, जो सुन्नत रसूल जो बताई गई है उसी तरीके का अपना जीवन निर्वाह करें। हज के बाद रजीक अहमद सिद्दीकी, समाज से भी मुस्लिम तो मकसद तो यही है, जा रहे हैं इनका मकसद तो यही है कि वहाँ से आने के बाद इस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, इस तरीके से होता था जिंदगी गुजार रही थी। क्या नाम है आपको? मेरा नाम रेवर खान है। तो आप हज पर जा रहे हैं? जी। क्या कहना चाहेंगे आप अपने लोगों से? इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आवाम के लिए क्या कहेंगे? आवाम के लिए तो ऐसा है कि आवाम को दिन है और 8 लोग अजमेर से जा रहे हैं, 7 लोग आपको इस बार से दुआ करना कि हमारी किसके थ्रू जा रहा है? हम इमरान भाई के थ्रू जा रहे हैं, जनाब टूर्स एंड ट्रेवल्स। बोलिए। इमरान के लिए जा रहे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, भाई उनको छोड़ने के लिए आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये मेरे सब लोगों के लिए मैंने दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इनके सफर को आसान करे और सारे अरकानों को माने बड़े आसानी के साथ उनके पूरे अरकान हो। और इसी तरह से हमारे माने इमरान भाई की मेहनत से लोग हमारे अहलो अयाल में से, बस्ती से, इलाकों से ऐसे ही लोग माने जत्ते के जत्ते जान दे रहे हैं। अल्लाह है ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इमरान भाई के लिए इनके माने इनकी पूरी जिंदगी को बरकत अता फरमाए और इस काम को खूब अल्लाह ताला इनसे खूब लेता रहे। अल्लाह तो आज हम उम्र करने जा रहे हैं, जिसका कार्यक्रम है सब पूरा।
आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये सभी हज करने जा रहे हैं और हमारी कामना है कि ये देश में अमन शांति और खुशहाली लाने की दुआ भी करें, यही हमारी कामना भी है। न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।